हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप पबजी मोबाइल जो इंडिया का वर्जन आया हुआ है आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नहीं खेला है तो आप क्या कर रहे हो, बस तो जल्दी जाओ फटाफट से डाउनलोड करो और खेलो। जिसका पबजी मोबाइल अगर प्ले स्टोर पा चुका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिसका नहीं आया है तो इस वीडियो को देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर प्ले स्टोर में आपको आपने रजिस्टर करा होगा या तो नोटिफिकेशन आ गया होगा या ऑटोमेटिक डाउनलोड होना चालू स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन दोस्तों अगर जिसका डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिसका प्ले स्टोर पर पबजी नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, आपको मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू आपको जाना है साइट पे, और साइट पे नीचे जाकर जो वहाँ पर मतलब सही साइट ओपन होगी वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर लेना, तो वहाँ पर फाइल और APK दोनों डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात रही डाटा ट्रांसफ़र की, तो दोस्तों अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है तो जितने भी ऑप्शन यस या नो में आएंगे जब उस पबजी को ओपन करेंगे तो आप सभी ऑप्शन को यस कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सारे ऑप्शन को यस कर देना है और कुछ नहीं करना है। वहाँ पे एज का इशू आता है, एक डाटा ट्रांसफ़र का आता है, तो आपको सबको यस कर देना, आपको डाटा ट्रांसफ़र एकदम हो जाएगा, या हद से ज़्यादा 1 या 2 घंटे लगते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने में किसी किसी के, नहीं तो बाकी ना मतलब 100 में से 90% केसों में हुआ है कि डाटा ट्रांसफ़र हाथों हाथ हो रहा है, लेकिन 10% में नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों आपका जीमेल पे अकाउंट है और आपको, क्योंकि अभी बैटल मोबाइल में जीमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको डाटा ट्रांसफ़र कैसे करना है अगर आपको पता करना है तो कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक में बना दूंगा जल्द से जल्द। अगर जिसका जीमेल पे अकाउंट है वो डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसकी नई वीडियो दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।